नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते आज की खास खबर पर। नालासोपारा में एक बार फिर एक बेटी चढ़ी दहेज की बलि। ससुराल वालों की दहेज प्रताड़ना से तंग कुछ महीनों की दुल्हन संसार से हुई विदा। विदाई के पहले विवाहिता ने अपने हाथ पर लिख दी हादसे की पूरी दास्तान। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले नालासोपारा में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आज के इस वर्तमान युग में भी एक बेटी दहेज प्रथा की बलि चढ़ गई। मामला नालासोपारा पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नीले मोरे गांव का है, जहां 24 वर्षीय संगीता कनौजिया का विवाह एक साल पहले 2022 में नालासोपारा के रहने वाले नितेश कुमार कनौजिया से हुआ था। अपनी बेटी की शादी में संगीता के पिता मुन्नीलाल राजनारायण कनौजिया ने अपनी हैसियत के हिसाब से वो सब दिया जो दे सकते थे, परंतु शादी के कुछ दिनों बाद संगीता का पति नितेश, सास आशा, ससुर शिवसेवक और ननद माला दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, जिससे बार बार की प्रताड़ना से तंग आकर संगीता ने वो कदम उठाया कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तिल तिल मरने से उसने एक बार ही मरना गवारा समझा और मरते मरते संगीता अपने हाथों में मौत की वो दास्तान लिख गई, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। उसने अपने हाथों में उसकी मौत का कारण और मौत के जिम्मेदार लोगों जिनकी वजह से उसने यह कदम उठाया उन सब के नाम लिख दिए। संगीता की इस दर्दनाक मौत की खबर जैसे ही उसके पिता मुन्नीलाल कनौजिया को चली तो वह तुरंत नालासोपारा पहुंचे और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। मुन्नीलाल की शिकायत पर नालासोपारा पुलिस ने मृतक संगीता के पति सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ मृतक संगीता के घर वालों पर संगीता की मौत के कारण दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, ऐसे समय में दूसरी तरफ जब उसके परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने नालासोपारा पश्चिम के शव विच्छेदन गृह में ले गए तो वहां भी लाश के सौदागरों ने मृतका के परिजनों से मृतका के पोस्टमार्टम के लिए 10,000 रूपए लिए, जो कि आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। इस मामले में कहीं न कहीं हमारे ब्रश सिस्टम की पोल भी खोल कर रख दिए, जहां चाहे कोई परिवार अपने किसी करीबी, फिर वह बहन हो या बेटी हो, उसकी मौत का मातम क्यों नहीं मना रहा हो। ब्रश सिस्टम को तो सिर्फ मौके का फायदा उठाकर आम लोगों को लूटने में ही मजा आता है। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह के पोस्टमार्टम के नाम पर 10,000 की वसूली करने वालों पर भी कार्यवाही होगी। देखिए यह वीडियो, अभी के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमें आर्थिक रूप से मदद करने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले गूगल पे बार कोड को स्कैन कीजिए और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। दे दो, किसको चाहिए? अंडा मांगा। कितना कितना मांगे पैसा? 4,000 दे दो। 4,000 गिन लीजिए पैसा। 5,000, 2,000, 3,000, 4,000। हाँ बराबर ना? 4,000। 4,000 ही बोले ना? सर को देना है ना? सर को कितना? 6,000। 1,2,3,4,5,6,7। आप इधर खड़ा रहो, जा थोड़ा साइड में, ये हम चालू करना है, आप देख नहीं सकते क्यों चक्कर आ गया, कुछ हो गया। चलेगा वो बंद करो तुम्हारा क्या। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।